अभी हम क्वेश्चन सिक्स करने लगे हैं। कहते हैं कि फाइंड द कंडीशन ऑफ द इक्वेशन दैट्स दैट रूट्स आर इक्वल। तो हमने फाइंड द कंडीशन दैट रूट्स आर इक्वल ये इक्वेशन है और इसके लिए हमने एक कंडीशन फाइंड करनी है कि अब इसके रूट्स इक्वल कब होंगे। तो इसके रूट्स तब इक्वल होंगे जब इसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो होगा। तो हम इसको डिस्क्रिमिनेंट या फर्क कुनिंदे के फार्मूले में दर्ज करके फर्क कुनिंदा के फार्मूले में जब दर्ज करेंगे उसको इक्वल टू जीरो रखेंगे, जो भी कंडीशन निकलेगी हम कहेंगे कि ये कंडीशन है जब इसके रूट्स इक्वल। तो रूट्स इक्वल मतलब फर्क कुनिंदा इक्वल टू जीरो हो, और फर्क कुनिंदा इक्वल टू जीरो रख के या डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो रख के जो भी कंडीशन निकलेगी हम कहेंगे कि इस कंडीशन पर इसके रूट्स जो हैं वो इक्वल होंगे। तो हम पहले इसका ये स्केयर खोलते हैं, एम स्केयर एक्स स्केयर प्लस सी स्केयर, यानी कि पहली का स्केयर जमा दूसरी का स्केयर जमा दो पहली और दूसरी, यानी कि ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी माइनस फोर ए एक्स इज इक्वल टू जीरो आ गया। तो अब एम स्केयर एक्स स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस टू एम सी एक्स माइनस फोर ए एक्स इक्वल टू जीरो। अब हम इसकी अरेंजमेंट करते हैं। अरेंजमेंट इसकी इस तरह से करनी है कि पहले एक्स स्केयर वाली फिर एक्स वाली फिर कॉन्स्टेंट। तो एम स्केयर एक्स स्केयर एक्स स्केयर वाली एक ही है, फिर एक्स वाली देखते हैं प्लस टू एम सी एक्स। अब हम जो एक्स ये भी एक्स वाली है तो माइनस फोर ए एक्स। अब ये एक एक्स के वेयर है प्लस सी स्केयर, तो ये इज इक्वल टू जीरो हो गया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ए बी सी की क्या कीमतें आई हैं। अब इन दोनों में से एक्स कॉमन आएगा तो टू एम सी माइनस फोर ए, तो ये एक्स प्लस सी स्केयर इज इक्वल टू जीरो। तो अब हमारे पास ये आ गया ए की वैल्यू, ये आ गई बी की वैल्यू और ये आ गई सी की वैल्यू। ए की वैल्यू हमारे पास है एम स्केयर और बी की वैल्यू हमारे पास है टू एम सी माइनस फोर ए और सी की वैल्यू है सी स्केयर। तो अब हम फर्क कुनिंदा का फार्मूला लगाएंगे या डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला, तो बी स्केयर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो। तो इसमें पहले हम वैल्यूज पुट करते हैं और फिर इक्वल टू जीरो रख लेंगे। तो बल्कि इसी को भी रख लेता भी ठीक है, बी स्केयर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो। तो अब बी की वैल्यू लगाएं टू एम सी माइनस फोर ए इसका होल स्केयर माइनस फोर। अब ए की वैल्यू है एम स्केयर और सी की वैल्यू है सी स्केयर। अब हम इसको आगे लेके चलते हैं। अब इनका हम स्केयर खोलेंगे इस तरह माइनस बी का स्केयर खोलते हैं, फोर एम स्केयर सी स्केयर माइनस फोर है तो ये हो जाएगा प्लस सिक्सटीन ए स्केयर। अब माइनस टू इंटू फर्स्ट वाली टू एम सी, सेकेंड वाली फोर ए, ये हो गया ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी माइनस फोर एम स्केयर सी स्केयर। तो ये देखिए यहाँ पे तो ये इज इक्वल टू जीरो, इधर भी इक्वल टू जीरो, तो ये कैंसिल हो रही है। अब ये हमारे पास बचा सिक्सटीन ए स्केयर माइनस, ये मल्टीप्लाई कर ले टू टू ज़ार फोर, फोर फोर ज़ार सिक्सटीन और एम सी ए इज इक्वल टू ज़ीरो। कॉमन क्या आएगा दोनों में से, सिक्सटीन ए कॉमन आ गया तो हमारे पास बचा ए माइनस सिक्सटीन बायर, तो एम बचा सी भी बच गया और ए बायर आ चुका है इक्वल टू ज़ीरो। सिक्सटीन ए कॉमन लेने से ये तो उधर जाके ख़त्म हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, तो ए माइनस एम सी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ए इज इक्वल टू एम सी। तो ये हमारे पास फाइनल कंडीशन है जिस कंडीशन पर इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो इक्वल होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन 7 हम करने जा रहे हैं। तो कहता है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो इस इक्वेशन के रूट्स आप कहते हैं रूट्स इक्वल हैं, देन ए इज इक्वल टू जीरो और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए क्यूब इज इक्वल टू थ्री ए बी सी। तो हमने इस इक्वेशन को लेकर सॉल्व करना है, ये जो इक्वेशन दी गई है तो कहते हैं इसके रूट्स इक्वल हैं, और हम पहले पढ़ चुके हैं कि रूट्स इक्वल हों तो फिर फर्क कुनिंदा या डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इज इक्वल टू ज़ीरो होता है। तो हम डिस्क्रिमिनेंट लिख लेंगे या फिर हम इसको लिखेंगे फर्क कुनिंदा। इसका फार्मूला हम बार बार पढ़ चुके हैं, बी स्केयर माइनस फोर ए सी, तो इसको हम इज इक्वल टू ज़ीरो ले लेंगे क्योंकि इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं।
बी स्केयर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसमें ए बी सी की कीमतें हम पुट करेंगे तो ए की कीमत वो होती है जो एक्स स्केयर का अधिसार है, बी की कीमत वो जो एक्स का अधिसार है, और सी की कीमत वो जो हमारे पास कांस्टेंट रकम है। तो अब हम कीमतें पुट करते हैं, बी की वैल्यू हमारे पास है माइनस टू इंटू ए स्केयर माइनस बी सी, तो ये सारी बी की वैल्यू थी तो सारी का स्केयर हो गया माइनस फोर। अब ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, सी स्केयर माइनस ए बी। सी की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, बी स्केयर माइनस ए सी, ये सी की वैल्यू ये यहाँ पे आ गई इस सी की जगह पे, तो ये इक्वल टू ज़ीरो है। तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो माइनस टू का स्केयर जो माइनस का स्केयर प्लस हो गया, टू का स्केयर हो जाएगा फोर। अब इसका स्केयर ओपन करेंगे तो ए स्केयर का होगा ए की फोर, ए स्केयर का मरबा आएगा ए की फोर प्लस बी सी का मरबा बी स्केयर सी स्केयर। इसका मरबा ऐसे खोलने जैसे ए माइनस बी का मरबा खोलते हैं, तो ए माइनस बी का स्केयर होता है कि ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर माइनस टू ए बी, तो माइनस टू। अब ए का मतलब है कि पहली वो ए स्केयर और बी सी, ये हो गया ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए और बी। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है तो सी स्केयर और बी स्केयर, ये बी स्केयर सी स्केयर हो गया। सी को हमने बी स्केयर के साथ मल्टीप्लाई किया, सी को हम आगे ए सी के साथ भी करेंगे, तो सी स्केयर को ए सी के साथ करें तो ये आएगा माइनस ए सी की तीन। अब ए बी को करें माइनस ए बी की तीन, अब इसको ए सी के साथ करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा ए स्केयर बी सी, तो ये इक्वल टू ज़ीरो आ गया। अब इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, फोर ए की फोर प्लस फोर बी स्केयर सी स्केयर माइनस टू फोर टू ज़ार एट आ गया। अब ए स्केयर बी सी माइनस, इसको भी हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, फोर बी स्केयर सी स्केयर। अब ये माइनस फोर मल्टीप्लाई होगा तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस या प्लस हो जाएगा, प्लस फोर ए सी की तीन, और ये इसके साथ जो मल्टीप्लाई होगा प्लस फोर ए बी की तीन माइनस फोर ए की दो बी सी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हम देखेंगे कौन सी रकमें आपस में प्लस माइनस हो सकती हैं, उनको प्लस माइनस कर लेंगे। तो ये फोर फोर ए की फोर ये वैसे का वैसा ही आ गया। अब इसके बाद ये आ जाएगा हमारे पास बी की दो सी की दो, ये देखिए ये दोनों कैंसिल होगी, माइनस प्लस फोर बी की दो सी की दो माइनस, ये कैंसिल होगी आपस में, इनके अलावा मेरे हमें कोई कैंसिल नहीं होगी। तो इसके बाद ये लिख लें, बल्कि जो बची हैं हम लिख लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसे माइनस एट ए की दो, ये ए की दो बी सी और ए की दो बी सी आपस में तफरीक हो सकती है, बल्कि ये प्लस हो रही है माइनस एट और माइनस फोर, तो ये इकट्ठी कर लें तो माइनस ट्वेल्व ए की दो बी सी, बाकी हमारे पास क्या बचा, प्लस फोर ए सी की तीन प्लस फोर ए बी की तीन, बस यही बचा, बड़ा इक्वल टू ज़ीरो हो गया। अब हम इस सारी इक्वेशन में से हमें नज़र आ रहा है कि फोर कॉमन आ रहे हैं, हम फोर कॉमन ले लेते हैं, फोर कॉमन लेने से हमारे पास आ गया, बल्कि ए भी, ए देखें ये इसमें भी ए है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें ए सब में है, तो हम फोर ए को कॉमन लेते हैं तो हमारे पास आएगा ए की तीन माइनस फोर कॉमन लिया तो बारह को फोर पे डिवाइड करेंगे थ्री, ए स्केयर में से ए के बाहर आ गया, ए के बच गया, बी सी प्लस फोर बाहर चला गया, ए भी चला गया, तो सी की तीन प्लस फोर ए बाहर चला गया तो बी की तीन इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और ये दोनों इक्वल टू ज़ीरो हैं, तो हम फोर ए को भी इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे और इसको भी इक्वल टू ज़ीरो करेंगे, तो फोर ए इक्वल टू ज़ीरो, इसमें फोर ए इक्वल टू ज़ीरो तो फोर उधर जाके डिवाइड हो गया तो ए की वैल्यू एक ज़ीरो आ गई जो हमने प्रूव करना था। अब दूसरी चीज़ है ए की तीन थ्री ए बी सी प्लस सी की तीन प्लस बी की तीन इक्वल टू ज़ीरो,
जो हमने प्रूव करने हैं थ्री ए बी सी एक साइड पे, तो उसके लिहाज से देखें थ्री ए बी सी को उस साइड पे ले जाते हैं, तो ए की तीन बचा जमा तरतीब दे लें बी की तीन जमा सी की तीन, तो थ्री ए बी सी उस साइड पे जाके इज इक्वल टू प्लस थ्री ए बी सी हो गया। तो ये देखें ये दोनों चीज़ें प्रूव हो गई हैं। तो हम आठवां सवाल हल करने लगे, शो डैट रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रैशनल, जबकि ये इक्वेशन जो है वो इक्वल टू ज़ीरो है। तो ये इक्वेशन दी गई है तो कहता है कि इस साबित करें इसकी रूट्स रैशनल है। रूट्स रैशनल तब होते हैं जब इसका जो फ़र्क कुनिंदा या डिस्क्रिमिनेंट है वो एक मुकम्मल मरबा होता है। मसलन जज़र के अंदर 49 आ जाए, ये 7 का स्केयर है, तो फिर इसके रूट्स रैशनल होंगे। अगर जज़र के अंदर डिस्क्रिमिनेंट में 20 क्वाड्रेटिक फार्मूला में जो 20 स्केयर माइनस 4 ए सी है, अगर उसके अंदर ऐसी रकम आ जाए जिसका मुकम्मल मरबा ना बनता हो, मसलन 63 आ जाए, वो किसी का मुकम्मल मरबा नहीं है, फिर इसके रूट्स फिर रैशनल होंगे। तो हमने साबित ये करना है कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट या फ़र्क कुनिंदा है वो एक मुकम्मल मरबा है। तो फ़र्क कुनिंदा का फार्मूला लगाएंगे इसमें से ए बी सी की कीमतें लेके, तो जो एक्स केयर का आदिसर है वो ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू क्या हमारे पास है ए इंटू बी माइनस सी। इसी तरह एक्स की वैल्यू क्या है, सॉरी बी की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, बी इंटू सी माइनस ए। सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, सी इंटू ए माइनस बी। ए बी सी की वैल्यू ले ली, वो फ़र्क कुनिंदा के फार्मूले में हम दर्ज करेंगे बी स्केयर माइनस फोर ए सी में। तो बी स्केयर मतलब ये वाली वैल्यू इसका स्केयर, बी इंटू सी माइनस ए होल स्केयर, ये इस तरह से होल स्केयर माइनस फोर। अब ए की वैल्यू ए इंटू बी माइनस सी, अब आगे ये सी की वैल्यू सी इंटू ए माइनस बी। अब हम इसका स्केयर खोलेंगे बी स्केयर और सी स्केयर प्लस ए स्केयर माइनस टू ए सी माइनस ये फोर ए सी इंटू बी माइनस सी और ए माइनस बी। अब हम बी स्केयर को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और फोर ए सी को इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर फोर ए सी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो बी स्केयर सी स्केयर प्लस बी स्केयर ए स्केयर माइनस टू ए बी स्केयर सी माइनस फोर ए सी वैसा ही, और इनको मल्टीप्लाई करें ए बी माइनस बी स्केयर माइनस ए सी प्लस बी सी। बी स्केयर सी स्केयर प्लस बी स्केयर ए स्केयर माइनस टू ए बी स्केयर सी माइनस, इसको मल्टीप्लाई करते हैं फोर ए स्केयर बी सी प्लस फोर ए बी स्केयर सी प्लस, ये माइनस जो है इनके साइन चेंज कर रहे हैं, तो फोर ए सी को ए सी के साथ करें तो ये आ जाएगा प्लस फोर ए स्केयर सी स्केयर माइनस फोर ए बी सी स्केयर जी। तो अगला स्टेप करते हैं बी स्केयर सी स्केयर प्लस बी स्केयर ए स्केयर। अब ये देखें ए बी स्केयर सी ए बी स्केयर सी, इनको माइनस कर लें फोर में से टू निकलेगा तो प्लस टू ए बी स्केयर सी। अब बाकी हमारे पास क्या बचा, माइनस फोर ए स्केयर बी सी माइनस फोर ए बी सी स्केयर, और ये बचेगा प्लस फोर ए स्केयर सी स्केयर। तो इन तीनों में से हम बी स्केयर कॉमन ले लेंगे, तो बाकी हमारे पास बचेगा सी स्केयर प्लस ए स्केयर प्लस टू ए सी। अब इन दोनों में से फोर ए बी सी कॉमन आ जाएगा माइनस फोर ए बी सी, तो बाकी हमारे पास बचेगा इधर ए माइनस कॉमन लिया चूंकि प्लस सी ए प्लस सी, तो यहाँ पे फोर ए स्केयर सी स्केयर है, तो ये बच जाएगा हमारे पास, ये किसका स्केयर है, ये टू ए सी का स्केयर है। अब ये बी स्केयर सेम आ गया और ये सारा जो है वो सी प्लस ए का होल स्केयर हो गया, माइनस फोर ए बी सी इंटू ए प्लस सी,
ये 2ac का होल स्क्वायर रहेगा, क्योंकि हमने इसका कंप्लीट स्क्वायर करना है। तो ये देखें, पहले का स्क्वायर बन रहा है, ये दूसरी का स्क्वायर, यहाँ पे बनाएंगे माइनस 2abc, तो ये बनेगा b इंटू सी प्लस ए होल स्क्वायर, यानी कि पहले का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 2ab हम बनाएंगे, माइनस 2 इंटू फर्स्ट वाली कौन सी है, b इंटू सी प्लस ए, सेकंड वाली कौन सी है, 2ac। क्या इनको सबको मल्टीप्लाई करने से ये आ रहा है, यानी 2 2 आर 4, ये ए सी और बी ए बी सी और ए प्लस सी, ये तो आ रहा है, तो ये होगा 2ac होल स्क्वायर। तो अब ये सारी इक्वेशन देखें तो ये किसका मुकम्मल मरबा बन रही है, ये मुकम्मल मरबा बन रही है b इंटू सी प्लस ए, ये फर्स्ट माइनस ये सेकंड, 2ac, ये इसका होल स्क्वायर बन रही है। होल स्क्वायर को ओपन करें तो a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये क्वेश्चन 8 का पार्ट 2 है, इसमें भी हमने शो करना है कि जो इसके रूट्स हैं वो नातक हैं, ये रूट्स रैशनल हैं। रूट्स रैशनल तब होते हैं जब इसका डिस्क्रिमिनेंट या फ़र्क कुनिंदा एक मुकम्मल मरबा होता है। तो पहले की तरह फ़र्क कुनिंदा का फार्मूला लगा के, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगा के हम उसको एक मुकम्मल मरबा बनाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, ए बी सी की वैल्यू लेंगे क्योंकि वो हमने फ़र्क कुनिंदा में दर्ज करनी है। ए की वैल्यू है ए प्लस 2b, बी की वैल्यू है 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और सी की वैल्यू है ए प्लस 2c। एक्स स्क्वायर का अर्धी सारियाँ कोफिशेंट ए की वैल्यू, एक्स का अर्धी सारियाँ कोफिशेंट बी की वैल्यू, और कांस्टेंट या मुस्तकिल रकम जो है वो सी की वैल्यू। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला हमारे पास है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो वैल्यूज़ पुट करें, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी ये होल स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए सी, ए की वैल्यू है ए प्लस 2b, इंटू सी की वैल्यू है ए प्लस 2c। अब ये 2 का हम स्क्वायर खोलेंगे तो ये 4 आ जाएगा, और ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फार्मूला हमने लगा लिया, इसका स्क्वायर खोल लिया, इसका 2 का स्क्वायर 4, माइनस 4 इंटू, ये दोनों मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, 2b को भी इन दोनों के साथ, तो ए को ए के साथ ए स्क्वायर, तो इसको इसके साथ किया तो प्लस 2ac, अब 2b को ए के साथ करें तो प्लस 2ab, और 2b को सी के 2c के साथ करें तो प्लस 4bc। तो अब हम 4 को इस तरह इधर ही रखते हैं, बल्कि हम ऐसा करते हैं कि 4 कॉमन ले लेते हैं, दो बार आ रहा है, 4 को कॉमन ले लें, बाकी हमारे पास क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। 4 दो बार आ रहा था वो तो कॉमन आ चुका है, तो 4 यहाँ पे नहीं आएगा, माइनस रह गया, और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ख़त्म कर लेते हैं, माइनस ए स्क्वायर और प्लस, बल्कि ये माइनस जो है इन सब के साइन चेंज करेगा ना, माइनस 2ac माइनस 2ab माइनस 4bc। अब ये ए स्केयर और ए स्केयर कैंसिल हो गए, कोई और ये 2ab वो माइनस का ये प्लस का, ये भी कैंसिल हो गए, तो बाकी हमारे पास बचा बी स्केयर प्लस सी स्केयर। तो और यहाँ पर ये सी इधर आता है, सी 2ac और माइनस 2ac प्लस 2ac ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी हमारे पास रह गया माइनस 4bc प्लस 2bc। 4bc में से 2bc माइनस हो जाएगा, तो बचेगा माइनस 2bc, 4bc थे उनमें 2bc निकल आए और बाकी बचे 2bc। तो बड़ी के साथ माइनस है तो इसलिए इसके साथ माइनस आ गया, तो 4 इंटू ये सारा b माइनस सी का होल स्केयर हो गया, तो ये जो 4 है ऑलरेडी 2 का स्केयर है, 2 माइनस bc, तो ये सारा देखें ये मुकम्मल मरबा है। इसका मतलब है कि इसके रूट्स जो हैं वो रैशनल हैं, या इसके जो रूट्स हैं वो नातक हैं। तो अब हम क्वेश्चन 9 करने जा रहे हैं, तो एक्स स्केयर माइनस 2 इंटू के प्लस 1 ओवर के इंटू एक्स प्लस 3। ये इक्वेशन हमें दी गई है, कहता है कि फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ के, प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल।
हमने साबित करना है कि इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो रियल हैं। तो इन रूट्स को रियल साबित करने के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट या फ़र्क कुनिंदा का फार्मूला लगाएंगे। तो अब यहाँ पे अगर ये कंप्लीट एक स्केयर बन गया तो फिर इसमें k की जो भी वैल्यू हम पुट करेंगे फिर इसका वो आंसर हकीकी अदाद की शक्ल में आएगा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम abc की वैल्यू लेते हैं इक्वेशन में से। a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू माइनस 2 इंटू k ओवर k प्लस 1 ओवर k, और c की वैल्यू 3। अब अगर इस क्वेश्चन में 3 की वैल्यू 3 को हम लेकर चलें तो फिर इसका जो है वो कम्प्लीट स्केयर नहीं बनता। टेक्स्ट बुक के ऊपर 3 की जगह इसकी हम वैल्यू 4 लेकर चलें तो फिर इसका जो है वो मुकम्मल मुरब्बा बन जाता है। अब हम इसका मुरब्बा खोलते हैं। माइनस 2 का जो प्लस 4 हो गया, k प्लस 1 ओवर k का होल स्केयर माइनस 16। तो k प्लस 1 ओवर k का भी खोलें, k स्केयर प्लस 1 ओवर k स्केयर प्लस 2 और आगे आ गया माइनस 16। अब इन दोनों में से हम 4 कॉमन ले लेते हैं, k स्केयर प्लस 1 ओवर k स्केयर प्लस 2 माइनस 4। k स्केयर प्लस 1 ओवर k स्केयर माइनस 2, तो 4 इंटू ये बन गया सारा k माइनस 1 ओवर k का होल। तो यहाँ पर हम 2 को भी इस स्केयर के अंदर शामिल कर लेते हैं, k माइनस 1 ओवर k ये होल स्केयर हो जाएगा। अब इसके अंदर कोई भी वैल्यू पुट की जाए तो वो एक रियल नंबर आएगा। कोई भी मुरब्बा किसी भी रकम, क्योंकि इसके ऊपर स्केयर है तो k की कोई भी वैल्यू रख लें वो रियल वैल्यूज ही आएंगी। तो 2.1 के क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमने रूट्स को रियल प्रूव करने हैं। तो रूट्स को रियल प्रूव करने के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट लेंगे। अगर तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो एक मुकम्मल मुरब्बा होगा या इसका फ़र्क कुनिंदा लेंगे, तो अगर ये फ़र्क कुनिंदा जो है मुकम्मल मुरब्बा हो जाएगा तो फिर हम कहेंगे कि इसके रूट्स रियल हैं। फ़र्क कुनिंदा का फार्मूला बी स्केयर माइनस 4ac। तो अब इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। एक्स स्केयर का आधी सर ये ए की वैल्यू, एक्स का आधी सर बी की और ये सी की। ए की वैल्यू बी माइनस सी, बी की वैल्यू सी माइनस ए और सी की वैल्यू ए माइनस बी। तो ये तीनों वैल्यूज हम इसमें पुट कर देंगे। तो बी स्केयर है तो सी माइनस ए होल स्केयर माइनस 4। अब ए की वैल्यू बी माइनस सी और आगे सी की वैल्यू हमारे पास आएगी ए माइनस बी। तो सी माइनस ए का स्केयर खोलें, सी स्केयर प्लस ए स्केयर माइनस 2ca। इसी तरह से माइनस 4, अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। बी को ए और बी से करें, बी को जब आप ए से करेंगे तो ए बी आ जाएगा, बी को बी से करेंगे तो माइनस बी स्केयर। माइनस सी को ए से करें माइनस ए सी, माइनस सी को माइनस बी से करें तो प्लस बी सी। सी स्केयर प्लस ए स्केयर माइनस 2ca माइनस 4ab माइनस 4b स्केयर माइनस 4ac। सॉरी, माइनस है तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, ये माइनस भी प्लस हो जाएगा, ये प्लस जो है ये माइनस हो जाएगा 4bc। तो अब इस ब्रैकेट की ज़रूरत कोई नहीं है। अब जो मुरब्बे वाले हैं उनको हम इकट्ठा कर लेते हैं, सी स्केयर प्लस ए स्केयर और ये मुरब्बे वाले प्लस 4b स्केयर। बाकी हमारे पास क्या बचा जी, ये माइनस 2ca माइनस 4ab और माइनस 4bc और ये प्लस 4ac। तो सी स्केयर प्लस ए स्केयर प्लस 4b स्केयर और अब ये माइनस 2ca और प्लस 4ac ये माइनस हो जाएंगे 4ab माइनस 4bc। अब हमने इस रकम का जो है वो मुकम्मल मुरब्बा बनाने, तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि ये जो दो रकमें इनके साथ माइनस है इसके साथ प्लस है, ए और सी वाले के साथ प्लस है, लेकिन जिनमें बी आ रहा है उनके साथ प्लस है। इसका मतलब है कि ये जो बी वाला हिस्सा है ये माइनस वाला होगा, यानी कि सी का स्केयर प्लस ए का स्केयर। अब ये बी वाला हिस्सा हम माइनस रख लेंगे, माइनस 2b का स्केयर, इसको ओपन करें तो फिर भी 4b स्केयर आता है प्लस 2, ये 2ab यानी कि पहली और दूसरी प्लस 2 दूसरी और तीसरी a और माइनस 2b। अब देखें इनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 4ab आएगा प्लस 2 तीसरी और पहली, तीसरी माइनस 2b और पहली क्या है c। तो
अब ये देखें, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी, ये तो ये सारा हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का स्केयर। तो ए हमारे पास सी है, बी हमारे पास ए है और सी हमारे पास माइनस टू बी है, इस सारे का होल स्केयर। तो ये चूँकि मुकम्मल मुरब्बा है इसलिए इसके रूट्स जो हैं वो भी रियल होंगे।